प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बी एड फर्स्ट ईयर की ऐच्छिक विषय भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं सेकंड विद्यालय में विषय के रूप में भूगोल। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रकरण के बारे में विस्तारपूर्वक इस वीडियो के अध्ययन के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी, हमने आपको पढ़ाया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में भूगोल। दैनिक जीवन में भूगोल का महत्व के अंतर्गत हमने तीन वीडियो पढ़ चुके हैं। चौथा वीडियो इसीलिए मैं बढ़ा रहा हूँ कि ये काफ़ी बहुत बड़ी दैनिक जीवन में जो मुख्य वीडियो है बहुत सारा है, तो मैं एक साथ इसमें स्रोत नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अलग अलग अपने भाग बांटता हूँ। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि दूसरे विषयों से मेरे संबंध स्थापित करना है। तो हम दैनिक जीवन में भूगोल के महत्व बताया गया है कि दूसरे विषय दूसरे या दूसरे विषयों के साथ व्यक्त करना, कहना है कि भूगोल का ज्ञान भूगोल के विद्यार्थी के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि विभिन्न मानवीय विज्ञान विषयों के लिए ये भी आवश्यक है कि विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए विषयों का ज्ञान किसी न किसी प्रकार से भूगोल से जुड़ा हुआ रहता है। भूगोल से ही हमारे बहुत सारे विषयों की उत्पत्ति हुई है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, दास्तान विज्ञान, हमने बहुत सारा पढ़ा या विज्ञान विषय को पॉलिटिकल साइंस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन विषयों का जो अध्ययन जो है हमें भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का ज्ञान मुख्यतः भूगोल से ही जुड़ा हुआ रहता है। भूगोल भी ये शब्द जाता है कि अमुक ऐतिहासिक घटनाओं को घटी घटना स्थान जगह उस प्रकार की भावनाओं को दर्शाना ही है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वर्णन करता है। जैसे एक भूगोल का रंगमंच है, मतलब एक नाटक है, उस नाटक के अंतर्गत हम प्रत्येक प्रकार के नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संबंधित अच्छे अच्छे प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा है, एक भूगोल वैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे एक मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के अगणित पुष्पों के माध्यम से मधु संचय करती है, संचय करती है, उसी प्रकार ठीक उन प्राकृतिक विषयों का से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको भक्ति कड़ी हुए बनाता है कि मतलब एक विषय के तौर पर जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कर रहे हैं उसको उस भूगोल विषय के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। सब समय घटना जो बोलते हैं हम कहते हैं या जीके कहते हैं जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल के बारे में जानकारी जितनी मिलती मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, राजस्थान भूगोल, जीव विज्ञान भूगोल जो पढ़ते हैं, ये भूगोल का एक ऐसा अंश है जिसके बारे में हर विद्यार्थी तुलना करनी चाहिए, दूसरे विषय से संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे विज्ञान से भूगोल का है, गणित भूगोल से भूगोल का भी है, तो हमने इस विषय वस्तु के बारे में अच्छे से प्रकार से जाना है। कहा जाता है कि भूगोल का अन्य विषय साथ में अपने संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है 11 पॉइंट यह बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान चाहिए।
सहयोग सानुभूति दया और